ऐसे ऐसे यहाँ लड़ाई होगी तो मैंने डैडी बुला लिया। भाई डैडी भी यहाँ तलवार गंडासियाँ सर 50 लड़के थे वहाँ, लेडीज लड़के इतनी बुरी तरह, जैसे मैं वहाँ मैंने एक्टिवा रोकी वो सारे मेरी तरफ दौड़ आए मेरे को मारने के लिए। मैं बोली मारो भाई, मैं अकेली खड़ी, आप इतने सारे मारो। उन्होंने इतने हथियार रखे थे, गंडासियाँ कृपाने लोहे की राड थी सर, बस पूछो ही नहीं वो क्या क्या लड़ते, इतने तकड़े तकड़े लड़के थे वो। मैं एक बारी देख कर घबरा गई, जैसे ही वहाँ भाई मतलब पुलिस से कोई आया तो मेरे को हिम्मत मिली, हाँ भाई मैं सेफ हूँ। तो बिल्कुल ही गलत हो रहा सर, वहाँ हमें इंसाफ चाहिए। और मेरी देवरानी के पेट में 3 महीने की प्रेग्नेंट है वो, उन्होंने लाते घूसे इतने मारे कि वो दर्द से करा रही। रात हम मेडिकल करवाने के लिए आए, हमको उन्होंने घेर लिया यहाँ, हम यहाँ से फिर भागे। दोपहर में हम फिर आए 2 बजे, फिर हम यहाँ से फिर वापसी भाग गए अपने अपने गाड़ी। हाँ उस टाइम हम भी यहाँ आए थे सर, मेडिकल हमारा होने दिया, फिर हम 2 बजे फिर आए। तो सुबह फिर उन्होंने हमको यहाँ से मारे को पीछे पीछे इतने फ़ोन कर लिए उस लड़के ने, और इस पता नहीं क्या नाम था सर उसने, मैं अपने बच्चों ने लेकर यहाँ से फिर दोबारा दौड़ के निकल गई हॉस्पिटल से बाहर। मैं कह दोबारा फिर मारेंगे भाई हमको, बस सर हमें तो इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, कार्रवाई चाहिए। जब उनके सिर पे जो चोटें आई हुई हैं, ऐसा भी बता रहे हैं कि हमारे सिर पे कुल्हाड़ी मारी है, एक बुजुर्ग व्यक्ति थे उनको चोटें काफी हुई, तो वो क्या कैसे? नहीं नहीं, उन्होंने अपने घर के ऊपर ईंटें रखी हुई थी, जो मेरे डैडी थे जो भाई थे उनके ऊपर ईंटें फेंक रहे थे, नीचे उनके वो भी खड़े थे सारे, उनके ऊपर मेरे ऐसे ऐसे कर रहे थे तो उनको उनके ऊपर ही गिर रही थी वो ईंटें वगैरह, उनको आप लगी है उनको। हमला करते हुए साफ नजर आएंगे जो युवक है, जो बताए जा रहे हैं हाथ में गंडासी जरूर है, आप देख सकते हैं गंडासी भी आई हुई है, और जो हमला कर रहे थे वो सभी की तस्वीरें भी ऐसा इन्होंने रिकॉर्डिंग की है उसमें जरूर कैद हुई है। हालांकि चोटें जरूर आई हैं, और इस गुड़िया को भी, जिस गुड़िया ने बयान दिया है उसको भी चोटें आई हैं, देख सकते हैं एक परिवार दूसरे परिवार के साथ झगड़ता हुआ, जितने भी लोग हैं यहाँ पर देख सकते हैं सभी के हाथ में कुछ ना कुछ जरूर है, डंडे हैं, और किस तरह से जो वार हैं वो किए जा रहे हैं, ऊपर से पथराव भी किया जा रहा है। अपील आप सभी से रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और कमेंट में जरूर बताना क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। डंडे देख सकते हैं साफ तौर पर हाथों में नजर आ रहे हैं। एसपी साहब से मिले थे, क्या ऐसा सुना? एसपी साहब ने बोला कि भाई हमारे मुलाजमों के साथ भी हुआ, भाई ये ऐसा हुआ, तो हमने एसपी साहब को अपनी जो पक्ष का जो हमारा था हमने उनके सामने रखा, सर ऐसी कोई मंशा नहीं थी, उनके पास जो गाड़ी थी उस गाड़ी का दूसरा गियर लगता था, पहला गियर नहीं लगता था, वो हड़बड़ाहट में जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करी उनसे बचाव के लिए, तो वो जैसे गए ना वो पहला गियर लग गया उसका, वो कह रहा था मैं कभी लगे ही नहीं, वो तो पहले गियर में, वरना गाड़ी तो एकदम वो उठती है सर, हुंडई की गाड़ी है वो एकदम उठती है, और वो गई तो जो प्रशासन के जो भी अधिकारी वहाँ पे मौजूद उसमें बैठे थे 112 में, उनको लगा कि हमारे ऊपर ही हमला कर दिया, हमारे टक्कर मारा। हाँ वो बच्चे को पता, जी मुझे नहीं पता इस बारे में, तो उसने ये इन्होंने कॉलिंग करी थी गुड़िया ने, तो एसपी साहब के सामने हमने ये भी पेश किया, साहब ने बोला भी है डीएसपी साहब को, भाई इसको करो, वो कहने लगे मुलाजिम के साथ ऐसा किया, भाई प्रशासन ने फायरिंग भी की है, भाई शायद हमारे ऊपर ही हमला हुआ है। वो तो कह रहे थे कि उनके हाथ में आपके हाथ में पिस्तौल थी। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं ऐसा किसी ने नहीं बोला, प्रशासन को पता है, उन्होंने दूसरी पार्टी ने आरोप लगाया, तो कहीं भी जाके कहीं सीसीटीवी फुटेज कहीं भी जाके चेक कर ले, कहीं किसी भी मंदिर में किसी गुरुद्वारे में किसी भी जाके मस्जिद में जहाँ कहते हो उसका हम पेटा भरते हैं। माननीय एसपी साहब को अगर कहीं हमसे नेम लेना हो, मैं मंगल कुंडी पार्ट 2 का प्रधान हूँ जी, वहाँ ये मेरा सारा परिवार है, और इनकी अगर किसी तरह का भी कोई पेटा भरना हो तो उसका पेटा हम भरते हैं, किसी खेड़े में मंदिर में गुरुद्वारे में जहाँ भी वो नेम लेना चाहते हैं तो हम नेम देने के लिए इसके लिए तैयार है, इनके पास कोई हथियार नहीं था। जब पुलिस आई थी क्या फिर उसके बाद क्या बातचीत रही आपकी? जब पुलिस आई तो जो उनके पास हथियार थे तलवार थे गंडासी थे उन्होंने पड़ोसी के घर में रख दिए वो, और पुलिस मेरे पापा को ले गई पकड़ के। हाँ जी हाँ जी, उनको हिरासत में ले रखा है, हमारी कार्रवाई नहीं हुई कल, नहीं कल 8 बजे भी करवाई थी सुबह, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मेरी आंटी के साथ अकेली के साथ बदतमीजी की थी अशोक सर को जो दिल्ली गए हुए हैं, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की उनके साथ, फिर शाम को फिर 5:30-6 बजे फिर दोबारा उन्होंने ये वारदात की है।
तो पहले से कुछ रंजिश चल रही थी आप? नहीं नहीं, बस पार्किंग को लेके विवाद, पार्किंग को लेके विवाद हुआ था जी। तो पार्किंग के लिए हाँ, और कोई विवाद नहीं था पहले कभी? कुछ कुछ इनकी नहीं, कोई तो मैं किसी बात को लेके ऐसा नहीं बताया गया कभी भी। जैसा आज सुबह हमें पता लगा है, सिर्फ वो गाड़ी की पार्किंग के लिए ही इनका विवाद हुआ है और वो यहाँ आके खड़ा कर दिया। कोई रंजिश नहीं है किसी बात का, कोई इनका लेन देन, कोई द्वेष किसी बात का कोई नहीं है। तो हमारी गुजारिश है प्रशासन से, एक तरफी कार्रवाई ना करके जिन लोगों ने ये काम किए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और जिसके खिलाफ भी अगर हमने किया तो हमारे साथ की जाए, नहीं तो एक तरफा ना करें भाई, ऐसे अन्याय बर्दाश्त नहीं। रात को जब आप यहाँ ट्रामा सेंटर आए थे, उसके अलावा क्या कल्पना चावला इमरजेंसी में भी मेडिकल करवाया? कल्पना चावला में नहीं गए, ये मैं तो था ही नहीं, क्योंकि जेंट्स कोई नहीं था, मेरे पापा थे वो, उन्होंने थाने में रखा हुआ था उनको, सिर्फ हम लेडीज थे रात को। फिर सुबह हमने नहीं इनको बुलाया, फिर इन्होंने हमारा के मेडिकल करवाया यहाँ पे। किस टाइम आया आप? एक डेढ़ दो बजे। ये सारी मंगल कॉलोनी पार्ट टू का आदमी खड़ा जी, यहाँ पे जो भी 100-150 आदमी आपके सामने खड़ा है ना, ये सारे मंगल कॉलोनी का आदमी खड़ा है जी। हाँ जी, कितने लोगों ने आपके परिवार? कम से कम 15-20 जने थे वो, लेडीज और जेंट्स सारे थे, हम सिर्फ चार थे। चार जने थे? हाँ जी। कैसे, किन चीजों से वार किया था? उन्हें पत्थर फेंके थे? उन्हें ईंटें फेंकी है, तलवार थी उनके पास, गंडासियां थी और डंडे थे। डंडे थे? हाँ जी, कृपाने थी उनके पास। आपने 112 को फोन नहीं किया था? वो आई थी, उन्होंने कुछ नहीं सुना, सीधा मेरे पापा को पकड़ा और लेके चलते बने। अच्छा। हाँ जी। तो परिवार के लोग थे या बाहर से बुलाए हुए थे? नहीं नहीं, घर के ही थे, वो भाई था मेरा। नहीं, वो ज्यादा रिश्तेदारी में भाई था, रिश्तेदारी में से भाई था। भी परिवार में रात को ट्रामा सेंटर में एक लड़का था, उसको भी पकड़ा था, वो कौन था? मेरा भाई एक, वो आईसीयू में एडमिट है, वो सीरियस है, बस उसको ज्यादा चोटें लगी, उसको तलवारें वगैरह लगी। दूसरा जो मोहित नाम का लड़का है वो एडमिट है, उसको ज्यादा चोट है, वो अपना अरविंद भाई हॉस्पिटल में एडमिट है। जो रात यहाँ नहीं एडमिट हुआ, इसको डर के मारे वो चला गया पूरी रात कहीं ऐसे, वो जब उसका सारा ब्लड, उसकी काफ़ी चोटें आई हैं, और जिससे वो बता रहे थे, अभी एक भाई आया था उसके मिलके, तो वो बता रहे हैं उनको कोई 15-20 टांके लगे हुए हैं, सर में 9-10 टांके हैं, बाजू पे हैं, टांग पे हैं, काफ़ी चोटें उनको आई है, और वो अभी असमर्थ है बोलने चालने में भी। उनको एडमिट जब कराया तो वो आईसीयू में भर्ती है वहाँ। आपके परिवार में महिलाओं के साथ?